हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैक्सन द रियल टैलेंट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नया स्टेप। वो स्टेप ऐसा है जो किसी भी पार्टी और किसी भी शादी में आप उसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो आप उसको देखिए और प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। तो गाइज़, ये मैं वीडियो में जानबूझकर इसको मैं स्लो कर दिया हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए पूरा स्टेप्स। तो आप लोग देखिए, इस स्टेप्स को देखिए और इसमें जो भी बारीकी चीज़ है उसको आप लोग देखते रहिए और देखिए, और राइट और लेफ्ट का विशेष ध्यान दीजिएगा। राइट और लेफ्ट की साइड लेग किधर जा रहा है तो उस पर विशेष ध्यान रहना चाहिए आपका। तो आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए गाइज। तो गाइज, ये स्टेप लेके चलते हैं। और यार, ये स्टेप्स बहुत ही कूल है, बहुत ही अच्छा लगता है ये स्टेप्स। ये हर एक म्यूज़िक पे, जैसे कोई भी म्यूज़िक रहता है जो बीट्स का रहता है, तो उस पर वो अपने से खुद से ही बैठ जाता है। आप इस स्टेप्स को करेंगे या किसी और भी म्यूज़िक को चूज़ करेंगे उस पर करिएगा, उस पर भी बैठ जाएगा ये स्टेप्स। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। और शादी विवाह जो होता है उसमें भी ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू। स्टेप्स है और ये बहुत ही पॉपुलर, ये भी स्टेप्स, ये भोजपुरी में बहुत ज़्यादा चलता है। आप लोग देखते होंगे भोजपुरी में ज़्यादातर ये स्टेप्स आता है। तो ये स्टेप बहुत ही पॉपुलर है ये भी, और इसको भी प्रैक्टिस करिए। इसमें देखिए बारीकी चीज़ देखिए क्या है। पहले फर्स्ट, सेकेंड, 1 2 3 4 फिर डाउन करके मारना है। तो ये कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग देखेंगे इसको ध्यान से, तो आप लोग बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। और करते रहिए। और चौथा स्टेप्स लेके चलते हैं हम आपको। दोस्तों, ये चौथा स्टेप्स है और देखिए देखिए कितना मज़ा आ रहा है इसको स्टेप्स को करने में। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, वाइब्रेट है और जंप है, ठीक है। बॉडी को, चेस्ट को वाइब्रेट करेंगे, फिर इसके बाद आप जंप करेंगे। तो ये भी स्टेप्स बहुत ही इजी है, आप इसको कर लेंगे। देखिए बेसिक स्टेप्स है ये सब, सारे जो भी स्टेप्स है बेसिक स्टेप्स बता रहे हैं। आप लोग का बेसिक स्टेप्स अगर मजबूत रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छा ही डांस कर सकते हैं। और जिसको नहीं आता है तो ये स्टेप्स उसके लिए, उन लोग के लिए है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए गाइस। दोस्तों, ये मेरा पांचवा और लास्ट स्टेप है, और ये स्टेप्स थोड़ा सा ही टफ पड़ेगा, बट इसको आप लोग थोड़ा से देखेंगे, बारीकी चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसमें, इस स्टेप में कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। बाकी आप लोग के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारा स्टेप्स आपको आ जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैं अगला स्टेप्स आपको बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा और इससे भी अच्छा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।